दोस्तों आज हमारे साथ दिल्ली से चल के लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के समर्थक है और दिल्ली सदर बाजार के महासचिव है। इनसे आज खास बातचीत होने वाली है। जी आपको द मार्केट न्यूज पर स्वागत है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय चिराग पासवान जी सीतामढ़ी आए हुए थे। जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इन्होंने बहुत बढ़िया मतलब कार्य कर रहे हैं और सीतामढ़ी के लोग भी इनको बहुत प्यार दे रहे हैं। और सीतामढ़ी कुछ दिन पहले रीगा में आए हुए थे और इन्होंने लोगों को दिल में घुस करके काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ सीतामढ़ी वासियों को बहुत प्यार देंगे और काम करके दिखाएंगे। अच्छा, आपके पार्टी अगले क्या काम करने जा रहे हैं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी जो है यहाँ बिहार से मुख्यमंत्री के लिए चुनाव के तैयारी कर रहे हैं। जी आगे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है बताइए। अभी अभी ये दिल्ली में भी आज हमारे केजरीवाल के घेराव किए इन्होंने कुछ मतलब वो बिजली पानी वगैरह के वो क्या कहते हैं कि ये लालच दे करके बस के फ्री कर करके लालच दे के पब्लिक के लालच में डाल करके वो पब्लिक को लोभ लालच दे करके कुछ काम ऐसे कर रहे हैं और कह रहे बिजली फ्री दे रहे हैं पानी फ्री दे रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी पर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि वो पहनते हैं शॉर्ट 500 का 300 का और उनका घर का बंगला करोड़ों का है, एक चेयर उसका करोड़ों का है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो लोगों को मतलब लालच में डाल करके वो कर रहे हैं और यही लालच दिखा रहे हैं कि हम मतलब काम कर रहे हैं, लोगों को लालच दे दे के कि ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन होता तो कुछ है नहीं। अच्छा, पार्टी में आप कब जुड़े हैं और पार्टी से आपको क्या क्या लाभे मिली है, कहाँ कहाँ आपको समस्या हुआ है, वहाँ वहाँ समस्या का समाधान कर पाए पार्टी आपका कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत हमारे साथ में बहुत पार्टी एकदम साथ में कंधे के से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और हमारे सदर विधानसभा ये उपाध्यक्ष मुख्तियार जी है और विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र वर्मा है और वो क्या कहते हैं कि ये सदर में भी कुछ काम ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम लोग मिल करके जो पार्टी के आगे के लिए काम होगा। अच्छा, बागेश्वर बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार आने पर उनको रोक लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है अडानी जैसा, उनको जेल में भेज दिया जाएगा, आपका क्या विचार रहेगा इस पे? तेजस्वी जी तो ऐसे ये वो दे रहे हैं कि इनको बाबा के क्या आरोप है, बाबा तो आज़ाद है, वो कहीं भी आ सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं लेकिन इनको बाबा इनको वो कर करके मतलब रोक लगा रहे हैं कि ये नहीं आए। उनको राजनीतिक से क्या है, वो बाबा तो आज़ाद है ऐसे ही है। जी जी बाबा कोई भी किसी राजनीतिज्ञ का नहीं सहारा लेते हैं, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार केवल करते हैं जी। तो उसको अगर राजनीतिक में लिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं जी ये कहीं ना कहीं से मतलब वो है राजनीति, कहीं ना कहीं से कोई इनको वो कर रहे हैं। तेजस्वी जी के क्या है, उनको वो सारे गुंडा राज बना रहे हैं, बिहार को तो ऐसे बना दिए एकदम खोखला बना दिए। देखिए, चिराग पासवान जी के कार्यकर्ता है सुदीप ठाकुर महासचिव सदर विधानसभा से, मतलब हम आज हमारे बिहार के क्या है मतलब नगर निगम के वार्ड पार्षद उनसे मिलने हम आए हैं दिल्ली से चल करके। जी
बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप दिल्ली से चल के हमसे मिलने आए हैं, और आपसे मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम बार जब हम दिल्ली सदर बाज़ार में मिले थे तो इनसे हमारी दोस्ती हुई थी। उसी समय इनके पार्टी के में हम एक बार गए हुए भी थे दिल्ली में, और उसी दिन से हमारे दोनों में दोस्ती गहरा बनते जा गई। और वहीं से ये बता रहे थे कि वार्ड पार्षद के चुनाव लड़िए क्या? जी हाँ जी हाँ, हम लोगों ने इनको बहुत मतलब वो दिए, हौसला दिए कि शुक्ला जी आप मतलब वार्ड पार्षद के नगर निगम से चुनाव लड़िए एक बार, और आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन हम दिल्ली सदर बाज़ार से चुनाव न लड़के अपने गांव में आए, बिहार आए, सीतामढ़ी जिला में चुनाव होने वाला था नगर पालिका का। हमारा भी गांव पहले पंचायत में थी, उसके बाद पंचायत से नगर निगम में जैसे आया वैसे हम भी ठाने हैं कि चुनाव लड़ना है, तो लड़े हैं, अब विजय भी प्राप्त हुई है। तो आप देता हूँ इनको, शुक्ला जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं इनके आवाज़ पे आकर के इनसे मिले और बहुत खुशी हुई इनसे मिल के। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना दूर से चल के आए हैं आप। जय हिंद। जय